हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब भाई। कैसे हैं आप लोग? फाइव सौ बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक क्वेरी आ रही थी लगातार बच्चों की, मैंने इवन ये वीडियो बता रखी है कई सारी वीडियोस में कि आपको कौन सा ट्रेड चूज करना है, लेकिन तब भी डाउट है। तो मैंने कहा कि भाई एक 5 मिनट वीडियो आपको अलग से बना दी जाए, ठीक है, कि आपको ट्रेड कौन सी यूज करनी है। याद रखिए, अगर आपका बीटेक है और आपका अगर डिप्लोमा है, देखिए बीटेक डिप्लोमा में आपका जो ब्रांच होता है वो होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ऐसे नाम से होते हैं। लेकिन जो आपकी आईटीआई होती है वो होती है इन ट्रेड से, जो ये ट्रेड लिखे हुए हैं। यानी कि होता क्या है कि आईटीआई आपका सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है एएलपी के लिए, लेकिन बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउ है। अगर बीटेक आपने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से बीई भी किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक बीई आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि आपका एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां बीई बोलते हैं, बाकी जगह बीटेक बोल देते हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि वहां पे अब ब्रांच आप सोचेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिलनी चाहिए, वहां मिलती तो है नहीं, तो उन्होंने इसलिए ये बनाया हुआ है चार्ट। आपका जो ये चार्ट बना हुआ है इसलिए बना हुआ है ताकि आपको वहां दिक्कत ना आए, जब फॉर्म फिल करें तो आपको आराम से चीजें मालूम चल जाएं। अगर आपने डिप्लोमा एंड बीटेक किया हुआ है तो याद रखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चूज करना है। क्या करना है दोस्तों? आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपको चूज करना है बिना किसी दिक्कत के। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने पेपर देखे हैं। ऐसा नहीं कि मैकेनिक आपका रेडियो एंड टीवी खराब है, लेकिन रेडियो टीवी में आपका जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा ज्यादा आपके कम्युनिकेशन से पूछे आते हैं। क्लासेस दोनों की चल रही हैं, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। लेकिन अगर आपका बीटेक एंड डिप्लोमा है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चूज करना है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है तो, ठीक है। ये तो ही पहली बात। बाकी जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है उनको टेंशन है ही नहीं, आईटीआई तो आपका इसी से होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से होता है, मैकेनिक रेडियो टीवी से होता है, इन सब से होता है। मैंने पूरा पेपर छान मारा है हर एक ट्रेड का, चाहे वो आपका इलेक्ट्रीशियन हो, सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रीशियन का मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में बच्चे ज्यादा होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। फिर आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी कई सारे बच्चे मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि सर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डीजीईटी के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है और सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आया है। मेरे दोस्त याद रखिए, सिलेबस को इतना बेहतरीन पकड़ा है ना रेलवे वालों ने उसमें, कि मुझे खुद नहीं विश्वास हुआ कि इतना अच्छा कैसे पकड़ सकते हैं वो, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, फर्जी कुछ नहीं पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आपका जो टॉपिक होता है, ये आपका इलेक्ट्रीशियन भी इसमें आ जाता है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, टॉपिक इनके जो होते हैं। कारण ये है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो आपका होता है ये आपका दोनों का मिक्स ब्रांच है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, यानी आपका ट्रांसड्यूसर हो गया, इसमें आपका मेजरमेंट जो मापन यंत्र आपके होते हैं वो पूछे जाते हैं। और इसका एक पेपर आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में आपका एक पेपर मिला हुआ है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का। अच्छा, रेडियो टीवी का भी एक ही पेपर आपका हुआ था, रेडियो टीवी का एक ही पेपर हुआ था, बाकी बच्चे थे नहीं, तो भाई बच्चे कम थे तो इसलिए आपका पेपर एक ही हुआ था, बाकी सब में आपका फिटर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, वायरमैन हो गया। याद रखिए 27 कट ऑफ है मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन आपका है ही इसमें, कि आपको इतना नंबर लाना ही लाना है तभी आप क्वालिफाई होंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने लेवल देखा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये सत्य है। जिन्होंने टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो टेक्निकल पढ़ते आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो कृपया टेक्निकल पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको। और पेपर को नोट डाउन कर लीजिए, बाकी मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको इलेक्ट्रीशियन का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसका पूरा डिटेल दे दूंगा, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी इतना ज्यादा लोड है कि भाई आपका अभी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, फिर उसके बाद वैकेंसी भी सारी आ चुकी है, तो उसके लिए प्लान करना पड़ रहा है। बाकी आप अपने जो भी टीचर हैं इलेक्ट्रिशियन जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पढ़ाते हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि सर सिलेबस क्या कैसे है, आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, ठीक है। बाकी ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी जो भी दिक्कत रहेगी आप बता देंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग, ताकि आपको भी टाइम बच जाए, मेरा भी टाइम बच जाए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को तो अगेन डिप्लोमा बीटेक वाले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चूज करिए भाई साहब, और जो आईटीआई वाले हैं वो टेंशन नहीं है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।